आज मैं आप लोगों के साथ मीशो साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ। मीशो से मैंने अपने लिए फिर से अगेन साड़ी मंगवाई है और इस बार मैंने बहुत अफोर्डेबल कैटेगरी से साड़ी पिक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैम छू मैं अपेक्षा। आज मैं आप लोगों के साथ मीशो साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ। मीशो से मैंने अपने लिए फिर से अगेन साड़ी मंगवाई है और इस बार मैंने बहुत अफोर्डेबल कैटेगरी से साड़ी पिक है और एकदम डिफरेंट और स्टाइलिश भी है। सो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा आज का मीशो हॉल। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग कमेंट करते हैं मेरे मीशो हॉल में कि डियर आप इतना मेकअप क्यों करते हो, आप विदाउट मेकअप ही अच्छे लगते हो। सबसे पहले तो आप सब लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो। लेकिन गाइस, मेरा ये काम है, मैं हर वीडियो के लिए अलग अलग मेकअप करके तो नहीं बैठ सकती, यू नो, मतलब आप लोग समझ सकते हैं राइट गाइस। तो अभी मैंने जस्ट मेकअप लुक फिनिश किया और ये हॉल में बना रही हूँ, इसे इग्नोर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने बहुत हैवी मेकअप किया तो यस, मैंने बहुत हैवी मेकअप लुक ही शूट किया है जो आप लोगों को शायद देखने को मिल गया हो या फिर इसके बाद आया। आई रियली डोंट नो। तो चलिए ये सारी बकबक छोड़ते हैं और मीशो हॉल स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे फर्स्ट गाइस, मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ ये वाइट कलर की मैंने ऑलरेडी ओपन करके ही रखी है ताकि मुझे आप लोगों को दिखाने में इजी रहे। और ट्रायन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, फुल ट्रायन मिल जाएगा तो आप लोगों को वेयर करने के बाद ये कैसी लग रही है वो पता चलेगा। गाइस, एक चंदेरी कॉटन साड़ी है, चंदेरी प्योर कॉटन साड़ी है और इतनी कंफर्टेबल है, इतनी हल्की है कि आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने अभी जस्ट ट्रायन किया, वेयर करके देखा और आप लोग देख सकते हैं पूरी साड़ी में कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, हाथी वाला मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क है, बहुत ही प्यारा ये वर्क किया हुआ है। और वेयर करने के बाद अगेन बहुत ब्यूटीफुल लगती है, मुझे ये साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई। और गाइस, मैं आई थिंक 350 के आसपास ही मैंने ये परचेज की थी, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगी। ओके, पूरी साड़ी में कुछ इस तरह का वर्क किया हुआ है और बॉर्डर पे कुछ इस तरह की बॉर्डर आप लोगों को मिल जाएगी। पूरी साड़ी में इस तरह की गोल्डन एंड पिंक कलर की बॉर्डर दी हुई है। अरे ओके, ये है फुल साड़ी। ओके, ट्रायन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वेयर करने के बाद कैसा लगता है। ट्रायन में मैंने व्हाइट कलर की ब्लाउज पहनी है और इसके साथ मुझे ये ब्लाउज पीस रिसीव हुआ है, इसके साथ मुझे पिंक कलर का बनारसी टाइप बनारसी सिल्क जैसा ये ब्लाउज पीस रिसीव हुआ है, जैसे नॉर्मल होता है ना 1 मीटर, 1 मीटर का ही है ये राइट। तो कुछ इस तरीके का ये पूरा ब्लाउज पीस है, यू कैन सी नज़दीक से आप इसकी डिज़ाइन प्रिंट देख पा रहे होंगे अच्छे से राइट। तो ये है इसका ब्लाउज पीस। ये है गाइस मेरी फर्स्ट साड़ी जो मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। अगर आप लोग भी कोई अफोर्डेबल साड़ी अपने लिए परचेज करना चाहते हैं तो ये वाली साड़ी के साथ साथ जा सकते हैं। आप छोटा मोटा फंक्शन पार्टी वगैरह भी इसके साथ अच्छे से मतलब अटेंड कर सकते हैं। ये है मेरी फर्स्ट साड़ी। अब मैं आप लोगों के साथ सेकंड साड़ी शेयर करने जा रही हूँ। नेक्स्ट गाइस, मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुई, आप लोग पैकेजिंग देख लो, सिंपल सी पैकेजिंग है, जैसे मिट्टी की होती है, प्लास्टिक की आवाज़ को इतना दीजिएगा। ये मैंने प्लेन साड़ी मंगवाई है, ब्लू कलर में है, इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तब आपको अच्छे से पता चलेगा। ये है इसका ब्लाउज पीस, सिंपल ही है, बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आप लोगों को साड़ी दिखाती हूँ, देख लो। ओके, कुछ इस तरह की कॉटन सिल्क में साड़ी है पूरी। इसका फैब्रिक आई डोंट नो कैसा है, मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये कॉटन सिल्क ही है और इसके ऊपर भी शायद कॉटन सिल्क ही लिखा हुआ था, मैं श्योर नहीं हूँ गाइस। मैं आप लोगों को फैब्रिक कौन सा है यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, मुझे भी देखना पड़ेगा सो इसलिए। ओके, कुछ इस तरह की पूरी है ब्लू कलर की साड़ी है, सेम ही है पूरी प्लेन साड़ी जैसी हुई है, लेकिन अगेन वेयर करने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगती है। यही दो साड़ी थी इस बार जो मैंने मीशो से मंगवाई। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये छोटू सा हॉल, आई रियली डोंट नो इसे हॉल बोल सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ दो ही साड़ी शेयर की और मैंने इस बार दो ही साड़ी मंगवाई क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इस तरह की साड़ी क्या मीशो पर अच्छी मिलेगी या नहीं, लेकिन मुझे पसंद आई। मैं सोच रही हूँ अभी और भी साड़ी मंगवाऊँ मीशो से। आप लोग बताएं क्या आप लोग और साड़ी हॉल देखना पसंद करोगे? मुझे तो दोनों साड़ी पसंद आई, मैं आप लोगों को दोनों साड़ी रिकमेंड कर सकती हूँ और स्पेशली वाइट साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई, फैब्रिक क्वालिटी एंड ऑल्सो गुड। आप लोग अगर लेना चाहते हैं इस तरह की चंदेरी कॉटन साड़ी तो मीशो पे ट्राई कर सकते हैं एक बार और बहुत अफोर्डेबल लगी मुझे। 300-350 में अगर आप लोगों को इतनी अच्छी साड़ी मिलती है तो आप लोगों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए मीशो पे एक बार।
आप लोगों को ये दोनों साड़ी में से कोई भी साड़ी पसंद आई हो और अपने लिए परचेज करना चाहते हैं तो मैं दोनों साड़ी का कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं एक बार। आपको क्या करना है गाइस, मीशो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मीशो ऐप में जाना है, मीशो ऐप में जो सर्च बॉक्स होता है ना वहाँ पे वो कोड टाइप कीजिएगा, आप लोगों को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। मीशो पे कुछ इस तरह का होता है। सो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।